मुस्कुरा क्यों रही था? क्यों मैं नहीं मुस्कुरा सकती? क्या मुस्कुरा सकती है, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा है मुस्कुराने को, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। टीस कर रही है मुझे? मैं ऐसा नहीं कर रही, तुम्हें जो समझना है समझ लो। करिश्मा और आरिफ की शादी को लेके काफी खुश है ना? और तुम्हें उनकी खुशी से तकलीफ हो रही है ना? चंद दिन की खुशी है। मतलब ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। हारिब को अपने जैसा समझ रखा है क्या, जो रेशमा को बीच रास्ते में छोड़ देगा? बहुत मोहब्बत से रखेगा उसे, देख लेना तो। और आप भी देख लीजिए, दोनों बहुत जल्द अलग हो जाए। बहुत जल्द अलग हो। कौन करेगा ऐसा? मैं करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अरिश्मा को छोड़ चुके हो तो छोड़ ही दो ना उसे। मैंने जो जख्म जमाल अंकल को दिया था वो बहुत जल्द भर गया, जबकि उनके लिए हुए जख्म सालों सहता रहा। जमाल अंकल को इतनी जल्दी मरहम मिल जाए, मंजूर नहीं है मुझे। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया ना हमदान, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, याद रखना ये बात। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, जो उसे आवाज में तो वो नहीं देख सकते। खाना खाया तो मुझे भी खाना खाना पड़ेगा, ऑफिस जाने में देर हो रही मुझे। हाँ खुश हूँ, बस ऐसे ही खुश है ना हमदान भाई ने। हारे भाई ने क्या दिया तुम्हें वो दिखाई में? ये प्यारी है, बहुत प्यारी है। क्या प्यारी है, मेरी बीवी की तारीफ कर रही हूँ? नहीं, मैं तो आपके दिए गए तोहफे की तारीफ कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी मेरी भी कर दो यार। आप तो है ही तारीफ के काबिल, इतनी तारीफ तो इतनी कम है। सुन लिया, ये सब अपनी बहन को ही बता दो। इन्हें बताने की क्या जरूरत है, ये सब जानती हैं। मुझे तो नहीं लगता, अभी आपके आने से पहले आपकी तारीफ करी थी। Really? जी जी बिल्कुल। क्या कह रही थी? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप खुद पूछ लिया जरा। सर आ जाओ भाई, नाश्ता लग गया, आ जाओ। चलो नहीं सर, रिश्मा हारे भाई बहुत अच्छे हैं, तो खुश रहोगी उनके साथ, वादा करो।